हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका किचन जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी लॉकडाउन स्पेशल सुपर टेस्टी सुपर क्रीमी ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी। और इस आइसक्रीम को मैंने बनाया है बिना किसी ऑरेंज, बिना किसी फूड कलर, बिना किसी एसेंस के। सिंपल से घर में रखे दूध और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, इन सबको मिला के हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार को टक्कर देने वाली ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी। और ये आइसक्रीम जितनी खाने में टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 पैकेट ऑरेंज फ्लेवर का क्रीम बिस्किट। तो आज इन्हीं से हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी टक्कर देने वाली सुपर टेस्टी सुपर क्रीमी ऑरेंज आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पे 10-10 के 2 पैकेट लिए हैं। इसको मैंने खोल लिया है, अंदर से ऐसा है, ये देखिए। जब भी आप आइसक्रीम बनाएं हमेशा क्रीम बिस्किट यूज़ करें। क्रीम बिस्किट में होता है फ्लेवर, कलर, एसेंस, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा और आपकी आइसक्रीम बहुत बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, और इतने बिस्किट में आप 5 से 6 लोगों को आराम सर्व कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडर जार, इसमें हम सारे बिस्किट को क्रश करके डाल देंगे। मैंने आपके साथ में पहले भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट से बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजी चॉकलेट आइसक्रीम शेयर की, जिसे आपने बहुत बहुत पसंद किया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, जरूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट को क्रश कर दिया है जार में। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच चीनी। बिस्किट पहले से मीठे हैं, चीनी हम बहुत कम डालेंगे। चीनी डालने के बाद में सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, मैंने बिस्किट को, चीनी को बिल्कुल फाइन पाउडर बना के पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए। अब डाल देंगे इसमें हम बाकी की चीज़ें। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप फ्रिज का ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ फ्रिज का ठंडा दूध लिया है, ये देखिए। इसमें डाल देंगे, इतने बिस्किट के पाउडर के लिए इतना दूध बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्रीमिनेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम ली, जो मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की जो मलाई होती है उसको डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कई रेसिपी शेयर की है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर डालिएगा। अब सभी चीज़ों को हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ ब्लेंड करने के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी जार में, ये देखिए। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, 5 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये देखिए। अब इसको कवर कर देंगे, रख देंगे फ्रीज़र में 5-6 घंटे के लिए। जब ये अच्छे जम जाएगी इसके बाद निकाल के इसको सर्व करेंगे। और यहाँ मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है, चेक कर लेते हैं। 4 से 5 घंटे में ये आइसक्रीम जम जाती है, बहुत कम टाइम लगता है इसको जमने में। और ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड, जरूर ट्राई करिएगा। लॉकडाउन है, बाहर दुकानें सब बंद पड़ी हैं, घर में आइसक्रीम खाने का मन है लेकिन बहुत सामान नहीं है, ना ही मेहनत करने का मन कर रहा है गर्मी में किचन में, जरूर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत टेस्टी बनती है, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसे बिस्किट से बनाया है। और साथ ही साथ अगर आपके पास फ्रेश क्रीम भी नहीं है, मलाई भी नहीं है, तो होममेड फ्रेश क्रीम कैसे बनाए इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को हर जगह शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।